तो बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस दिन और तारीख को हुई, आपके वफात के बारे में तो कोई शुबा नहीं। हदीस भी है कि आप यौमल इथनैन यानी मंडे को, जिसको कहेंगे ना संडे मंडे, तो आपकी वफात हुई और वो 12 रबीउल अव्वल की थी, इसमें इख्तिलाफ नहीं। लेकिन आपकी वलादत किस तारीख में, इसमें तहकीकी बात यह है कि आपकी वलादत 9 रबीउल को हुई, 12 को नहीं हुई। 12 को नहीं हुई, 12 को आप बेसत आपको मिली, 12 को आपकी वलादत हुई, वफात हुई, जैसा कि साहब तारीख लिखी गई तो, और वो मुत्तफ़क़ है। लेकिन आपकी वलादत जो है वो 9 रबीउल अव्वल को 12 को नहीं है, लोग गलत, क्योंकि बाकायदा हिसाब करके लोगों ने बताया कि फला तारीख और इतना ब्राह्मण, अब क्या उनका कोई जो पुराने जमाने का हिंदुओं का वो है, वो भी बताया गया है, शेख काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तहकीकी किताब सीरत पे लिखी है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है तमाम हिंदी महीनों का, अंग्रेजी महीनों का जिक्र करके कि फना फना तारीख को बड़ी तफसील से लिखा है। तो ये चीज महक्कक है कि आपकी वलादत जो है 9 को और वफात 12 को हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहरहाल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात सबसे बड़ी मुसीबत है। प्यारे रसूल ने फरमाया है कि किसी को कोई मुसीबत पहुंचे तो मेरी मौत को याद कर ले, मुसीबत हल्की हो जाएगी।